मैं लैके आया फ्रेंड्स ढाडे वास्ते बहुत ही सिंपल सा चिकन, वह नाम है मोरकन ग्रिल चिकन। तुसी इनू सारे घर बना सकते हो। तुहानू पता आस्ट्रेलिया च हुण सर्दियां शुरू हो जाणियां, लोगों ने बाहर जाके खाना, सर्दियां लगनियां, तो इनू घर भी बना सकते हो। चलो फ्रेंड्स हुण आपां जल्दी तो जल्दी बनाइए ते नाले खाइए, क्योंकि भुख तो सारे लगी होगी। हुण आपां बनावांगे, इहदे वास्ते मैं चिकन ब्रेस्ट लीती है। एक बाउल दे विच मैं ओलिव ऑयल पावांगा, है ऑलमोस्ट 2.5 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून हो सकता। ऑलरेडी 3 टेबल स्पून ऑयल आप ले लिया सी। हुण इहदे वास्ते इहदे विच सब तो पहले आप पावांगे कोरिएंडर, कोरिएंडर लीव्स। आप घरे उगाया होया तो आप घर का ही यूज़ कर रहे हैं, तुसी बाहरों भी ले सकते हो। इहदे इहनूं आप स्टेम्स छोटी छोटी कट लैनी है कि इहदे नाल की होवे कि इहदा फ्लेवर आप लैना ना कि फ्रैश फ्लेवर आवे। आप कोरिएंडर चॉप कर लिया, यह कोरिएंडर अपना यह भी 2 टेबल स्पून के लागे हैगा। इनू आप उही बाउल च पाना जिस आप ऑयल पाया सी, क्योंकि ये फ्लेवर्स सानू चाहिए कोरिएंडर के। उस तो बाद आप एक लैमन लेता, आप रब कर लिया लैमन, जिन्ना भी यहाँ जूस है सारा ये अंदर आ जाएगा। इनू आप अद्धा लैमन ये स्क्वीज कर लेना, ये की होएगा यदा सिट्रस फ्लेवर सानू मिलेगा, जिहड़ा कि ग्रिल चिकन के नाल बहुत ही वधिया लगता। हुण आप इस पा रही है स्वीट पैपरिका, जब बाद चो तुसीं चिली फ्लेक्स पा सकते हो, कुछ भी चिली च पा सकते हो। आप इन 1.5 टेबल स्पून इस पाता। हुण आप इस थोड़ी जी टर्मरिक पावांगे, टर्मरिक आप यूज करन लगे हैं सिर्फ लाइक 1 टी स्पून, ज़्यादा नहीं रखनी, बस सानू अपना फ्लेवर चाहिए। हुण इनू आप मिक्स कर लेना एक बारी सारे फ्लेवरस जिहड़े आप ऑलरेडी पाए सी, लैमन, कोरिएंडर, ओलिव ऑयल, टर्मरिक, स्वीट पैपरिका। हुण आपां इच पावांगे फ्रैश गार्लिक। गार्लिक तुसी 1.5 पा सकते हो, 1-2 टेबल स्पून पा सकते हो, कि जिन्ना तुसी लाइक करदे हो। इहनू भी आपां चॉप कर लेना। गार्लिक आपां चॉप कर लिया, सारा दा सारा गार्लिक आपां अपनी स्पाइस विच पा देंगे। इनू एक बार फिर मिक्स कर देंगे। तुम वेखते हो कि ये जी पेस्ट है, जो जो आप समान पाए जाते भी थिक मैरीनेशन बनती जा रही है। यह तो हो गया था बेसिक। हूँ आप इनू पीस लेना, क्योंकि पहले आप इन रोस्ट कर लिया। साडा स्पाइस ऑलरेडी तैयार हो गया। ये नाल ही साइड बाय साइड मैं थोड़ा ड्राई मसाला होर तैयार किया सी, इहदी वीडियो आप फिर बनावांगे। पर इहदे विच मैं की रखे मैं तुहानू दस देना, सिंपली बेसिक ही है। इस जिंजर पाउडर रखे, क्योंकि आप गार्लिक फ्रैश यूज़ किया, तो जिंजर आप फ्रैश यूज़ नहीं किया, आप पाउडर यूज़ किया। तो नाल इहदे विच ड्राई पास लिया, जिहड़ा तुसीं ग्रीन ग्रीन वेखदे होवोगे। तो आप दोबारा अपनी उही मैरीनेशन से चले गए हैं, जिहड़ी पहली आप मैरीनेशन तैयार की सी। इहदे विच अपना जी ड्राई ओरिगैनो ड्राई पास लेवल ही सी, वो आप ऐड करांगे 2 टेबल स्पून, जिहड़ा अपना एक्स्ट्रा फ्लेवर वास्ते मोरोकन दा तैयार किया। आप इस 1 टेबल स्पून पावांगे। जिहड़ा हुण आप चिकन ले लिया, चिकन नूं तुसीं छोटे छोटे स्ट्रिप्स भी कट सकते हो, डाइस कर सकते हो, क्योंकि इहनूं आप मैरीनेट करना। मैरीनेट तुसीं किसी तरीके नाल भी कर सकते हो, पर मैनूं फ्लेवर वधिया लगदा इहदा बटरफ्लाई मोड दे विच। बटरफ्लाई मोड के चिकन इदा होंगे कि इन प्रेस करके जो हाफ चिकन है इनू विचों कट्टी दा, तेनू थोड़ा जहा प्रेस कर दी दा चिकन नू। हुण आपां चिकन अपना कट लिया, सब तो बाद सारे स्पाइसिस ते आपां पा ले, आपां भुल की गए सब तो ज़्यादा नमक। चिकन के उपर छुट लेंगे, ये मैं चिली फ्लेक्स ऐड किए हुए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कहा मैं चिली जिस स्पाइसी लैवल खाना कि चिली पा सकते हो, इस ऑलरेडी चिली फ्लेक्स है। हम आप ही चिकन अपनी मोरोकन लैमन च पावे।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੀਸਿਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਲੇਵਰਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਲਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਲ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਸਾਈਡ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਪੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸਲੈਟਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਸਲੈਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਪਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸਲੈਟ ਲਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲੈਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਪਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਏ। ਸਪਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਇਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਜਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਟੈਲੀਅਨ ਡਰੈਸਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰਨੈਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪਿਓਸ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਲੋਪੀਨੋਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਨਿਚ ਹੈ ਕੋਸਲੈਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪਾਈਸੀਨੈਸ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਲਰ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗ੍ਰਿਲਡ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕੱਟੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟੂ ਮਚ ਜੂਸ ਇਨਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਮਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫਲੇਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡਾ ਮੋਰੋਕਨ ਗ੍ਰਿਲ ਚਿਕਨ ਤਿਆਰ ਹੈ।